ये है दिल्ली दर्पण। सबको नमस्कार। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन लगाना ज़रूरी था ताकि कोरोना के केसेस में कमी आ सके, चेन टूट सके। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन खासकर गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने खासकर मजदूरों के लिए ऐलान किया था कि हर मजदूर के अकाउंट में 5,000 रुपये हम लोगों ने डालने का ऐलान किया था। उनके अकाउंट में 5,000 रुपये जा भी चुके हैं। जो लोग बीमार होते हैं, जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनको भी अलग से मदद करने की हम लोगों ने ऐलान किया था उन मजदूरों के लिए। आज हम दो निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है, उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। और दूसरा निर्णय ये है कि जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज़ ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इन लोगों की रोज़ी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था, पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी सारी जो जितने डेली वो कमाते थे वो उससे मदद होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आर्थिक तंगी के दौर में उनको मदद मिलेगी। तो लगभग पिछली बार भी हम लोगों ने 1,56,000 ऐसे ड्राइवर्स की मदद की थी, उन सब की मदद इस बार भी दिल्ली सरकार करेगी। ये बहुत ही कठिन दौर है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं, और ख़ास तौर से ये जो सेकेंड वेव आई है, ये सेकेंड वेव तो बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम सब लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना दुख है, चारों तरफ लोग कितने परेशान हैं, चारों तरफ लोग कितने बीमार हैं। मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है, ये समय एक अच्छा इंसान बनने का है। सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे BJP के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, सब लोग आपस में मिलके एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त कोई राजनीति नहीं करनी, सब मिलके करें। चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी जात के हों, ये बीमारी तो किसी को नहीं दिखती। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई बीमार है, उसको अस्पताल में एडमिट कराने की मदद कर सकते हैं। अगर कोई किसी को बेड नहीं मिल रहा, उसको बेड दिलवाने में, ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं। अगर किसी को कई बार केवल सूचना मिल जाने से काफ़ी मदद मिल जाती है, किसी को ऑक्सीजन दिलवाने में मदद कर सकते हैं। किसी के घर में सब बीमार हो गए, उनको खाना खिलाने में मदद कर सकते हैं, उनके घर पे खाना पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इस वक्त ऐसे बहुत लोग होंगे जिनकी रोज़ी रोटी नहीं चल रही होगी, गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक मदद कर सकते हैं ताकि उनका घर चल सके। तरह तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरी सब लोगों से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि सबकी मदद कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। बहुत पुण्य लगेगा और तभी देश की तरक्की होगी। और अगर हम सब मिलके इससे लड़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम कोरोना से जीत पा लेंगे।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर